नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर जहरीली शराब पीने से बिहार के कई जिलों में जो है 50 से करीब लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल जब पहुंचे जनता के बीच में 5,000 रुपए की मदद लेकर के, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके बीच, तो उनको भारी विरोध झेलना पड़ा। एक पल के लिए तो ऐसा हुआ कि लोग उनको खदेड़ते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के नौतन के दक्षिणा तोल्ला पंचायत के वार्ड नंबर 3 में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बेतिया सांसद संजय जायसवाल को फजीहत का सामना करना पड़ा। वे जहरीली शराब से मरने वाले मृतकों के परिजनों से मिलने के दक्षिण तेलुआ के वार्ड नंबर 3 में पहुंचे थे और बट ब्रिज के नीचे बैठकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से लिफाफे में 5,000 रुपये की राशि रखकर मृतकों को परिजनों को दे रहे थे। इस पर मीडिया द्वारा जब सवाल पूछा गया तो कर्णी काटते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर समीक्षा कर रही है और चलते बने। इस पर ग्रामीण भड़क उठे और प्रदेश अध्यक्ष गाड़ी के सामने बवाल काटा। ग्रामीणों की माने तो सांसद द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और वो चलते बने। क्या कुछ कह रहे थे संजय जायसवाल, पहले ये सुनवाते हैं। तो बता दें कि संजय जायसवाल पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र में, वहां पर भी शराब, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद वहां पहुंचे तो वहां पर जो परिजन थे उनको पैसे दिए। पैसे देखिए किस तरीके से, कितना अमाउंट है जो कि गिना जा रहा है। ये बताइए बंद है तो क्या फायदा, फ्लॉप हो गया, बंद से क्या फायदा? आपको नहीं लग रहा है शराबबंदी फ्लॉप है बिहार में? देखिए घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी, जहां शराब अलाउड है वहां भी घटी है, जो लोकल स्तर पर उससे ज्यादा यहां पे नहीं घटा है सर। कार्रवाई हो रही है, शराब बंद होने के बाद भी शराब कैसे मिल रहा है यहाँ पे? उसी के लिए ना हो रहा है, पुलिस उसी के लिए एग्रेसिव। तो मरने के बाद सर पुलिस चेक करती है कि मरने से पहले चेक भी करती है? आज तक अगर चेक 600 लोगों को पुलिस के और एक्साइज के अफसरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा प्रदेश नहीं है जहाँ 600 सिपाही पुलिस के आदमियों को और एक्साइज। तो देखा आपने कि बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर एक जान की कीमत 5,000 रुपए लगाई गई है और इसी बात का विरोध जो है वहां पर ग्रामीणों की तरफ से देखने को मिला। आपको बता दें कि बिहार में दीपावली के वक्त से ही लगातार लगभग हर दिन बिहार के विभिन्न जिलों से जहरीली शराब पीने से जो है मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें गोपालगंज के साथ साथ बेतिया और बिहार का के जो दूसरे ज़िले हैं वो शामिल हैं, जहां पर इस तरह की वारदात हो रही है। बड़ी बात यह है कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि इस पूरे घटनाक्रम पर या पूरे मामले पर जो है सरकार की नज़र बनी हुई, गंभीरता से इस पर जो है जाँच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि 16 दिसंबर को इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने बुलाई है और बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। तो खबर है बिहार के बेतिया से, जहां पर संजय जायसवाल जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भी हैं बीजेपी से, वो पहुंचे थे वहां पर जिन परिवारों ने अपने को खोया है जहरीली शराब कांड में, उनके परिजनों से मिलने जो है उनसे मिलकर के एक तरीके से कहें कि आश्वासन देने के लिए कि इस पूरे मामले पर जांच होगी। लेकिन जब 5,000 रुपये का लिफाफा थमाया गया उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिला और उन्होंने जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद हैं संजय जायसवाल, उनके गाड़ी को घेर लिया और जमकर बवाल काटा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।